नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को नेहरू हॉल के सभागार में बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस 25 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 के अवसर पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047 के रूप में आयोजित कार्यक्रम का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला एवं बीजेपी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 10 विद्युत सखी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें विकास खंड मोहम्मदपुर की कनक, यमरेनु, लालगंज की सुमन पांडे, रानी की सराय की कल्पना पांडे एवं श्रीमती रमावती आदि शामिल हैं। इसके साथ ही सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक बिजली की यात्रा के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आजादी से अब तक ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विकास एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली विकास संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। अतिथियों ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के कड़ी में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। विगत 75 वर्ष में बिजली के क्षेत्र में अनेक विकास हुए हैं। जिन ग्रामों में भी बिजली नहीं थी, उन ग्रामों में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। सरकार का प्रयास है कि हर गांव व मजरों में बिजली पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 20 घंटे बिजली मिल रही है। पिछले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सोलर पैनल भी बिक रहा है। सोलर ऊर्जा की दरें कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली की दर से कम है। शासन की मंशा है कि लोगों को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से हो और दूसरी तरफ विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का भुगतान भी समय से किया जाए। आज ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सखी भी कार्य कर रही हैं, जो विद्युत देयों के भुगतान के लिए जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। कार्यक्रम का संचालन NTPC टांडा के उप महाप्रबंधक परवेज खान द्वारा किया गया। NTPC टांडा के महाप्रबंधक अतुल गुप्ता, मुख्य अभियंता आजमगढ़ क्षेत्र AN सिंह, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल द्वितीय आजमगढ़ सैयद अब्बास रिजवी, अशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम अरविंद कुमार सिंह, अशासी अभियंता फूलपुर रामपाल यादव, अशासी अभियंता रवि अग्रवाल, गोपाल सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक NTPC SN पांडे आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरबार। अभियंता विद्युत विभाग आजमगढ़, आज क्या प्रोग्राम है? आज बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस के अंतर्गत एक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें कि 26 तारीख को जनपद आजमगढ़ के नेहरू हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जो है पिछले 6-7 वर्षों में बिजली को लेकर के जो कार्य हुए हैं या जो आगे की संभावनाएँ हैं उसको उसकी जो है एक झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें 7-8 फिल्में हैं जो हम लोग दिखाएंगे और पहले जो काम हुआ है उसका भी मैंने उद्घाटन कर दिया है और जो काम होने हैं वो भी मैंने अभी आपको बताया। हमने अभी तक ये किया है कि जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो हमारे टर्न की कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने सराहनीय कार्य किया था, जो हमारे कार्मिक थे जिन्होंने अच्छा काम किया था, हमने उनको जो है सम्मानित किया है। इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक योजना है, उत्तर प्रदेश पावर डेवलपमेंट पावर रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पुराने तारों को गांव के पुराने तारों को बदल के AB केबल लगाने का कार्य है। उसमें हमारा काम चल रहा है। 465 मजरों में 380 में काम हो चुका है। उनके जो कार्यदायी संस्था है NCC लिमिटेड हैदराबाद, हमने उनके जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको जो है सम्मानित भी किया है। और हमारी ये योजना जो AB केबल वाली है वो अगस्त तक पूरी हो जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।